इसको लेफ्ट करो, इसको जूम आउट कर देना ऐसे, सही है, परफेक्ट। सो एनीवेज, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट विल बी प्रिंसिपल आर्गुमेंट, हम इस टॉपिक की डेप्थ में नहीं जाएंगे, विल जस्ट ओवरव्यू ऑफ फार्मूला, विल जस्ट गो थ्रू सम क्वेश्चंस, उसके बाद दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। हमें टीचर ने असाइन किया लेक्चर, तो 17 से 18 मिनट की वीडियो नहीं होगी, दैट विल बी अ स्मॉल 4 to 5 मिनट्स वीडियो, जिसमें हम लोग एक सवाल सॉल्व करेंगे एंड विल जस्ट गो थ्रू सम फार्मूलाज। प्रिंसिपल आर्गुमेंट बेसिकली है क्या? अगर आसान लफ्जों में बात की जाए तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है ना, इट इज़ अ मेजर ऑफ एंगल्स बिटवीन द नेगेटिव पाई एंड द पाई रेडियंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिफरेंट है, एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लोग यहाँ बात करते हैं जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात होती है। सही है, अगर हम लोग यहाँ फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो वील ऑलवेज मूव एंटी क्लॉक वाइज एंड वील हैव द आर्गुमेंट ऑलवेज पॉजिटिव जब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, और जब हम लोग क्लॉक वाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाती है एंड वील हैव द आर्गुमेंट ऑलवेज नेगेटिव। तो इसके डिफरेंट कंडीशन हैं, उसके बाद इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो कि मैं अभी इस पेज में दिखा देता हूँ। हियर आर द फार्मूलाज। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो आर्क्स ही है वो थीटा के बराबर है, सेकेंड में हमारे पास पाई माइनस थीटा में, और थर्ड और फोर्थ में सेम है, बट हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन है बिकॉज हमने पहले ही बात की थी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे और जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमेशा नेगेटिव में होगा। हम एक सवाल सॉल्व करते हैं दैट बी सिमिलर फॉर ऑल द फोर्थ क्वाड्रेंट्स, उसके बाद वील प्लॉट द ग्राफ। अच्छा, अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, -1 + √3i। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। इसका ग्राफ हम लोग का सिंपली जो बनेगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा, और हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इसका मतलब आगे ही हम लोग का कि इस जगह आके बनेगा। हम लोग यहाँ पे सिंपल फार्मूला पुट करेंगे टेन वर्स वाई अपॉन एक्स का, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पाई बाई थ्री वैल्यू आएगी, तो हम लोग आग जी का जो फार्मूला होता है सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए वो पीछे मैंने बताया था, दैट इज़ पाई माइनस थीटा। तो हम लोग पाई माइनस थीटा से हम लोग के पास आर्ग्यूमेंट जी निकालेंगे, दैट विल बी आर्ग्यूमेंट जी फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बस सवाल है -1 - √3i। अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ समवे भी, अगर हमारे पास x की वैल्यू देखें तो -1 है और y की वैल्यू देखें तो वो -√3 है। तो दैट मीन्स ये -1 यहाँ और -√3 का यहाँ, तो ये दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह प्लॉट होगा। हम लोग ने बात क्या की थी कि हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा क्लॉकवाइज मूव करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में वी विल मूव क्लॉकवाइज, वी विल टेक द शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल, आग से हमारे पास कहीं इस जगह बनेगा, कुछ नहीं करेंगे। इस सवाल में भी हम लोग सिंपल थीटा इक्वल टू टेन वर्स वाई अपॉन एक्स वाला फार्मूला पुट करेंगे, उससे हम लोग थीटा निकालेंगे, दैट बी पाई बाई थ्री। हम लोग आग जी का जो फार्मूला है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए वो अप्लाई करेंगे, दैट बी द आंसर एंड दैट बी द आर्गुमेंट फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में जो सिंपल डिफरेंस है वो आंसर क्या है, उसमें नेगेटिव है और एक में नेगेटिव नहीं है, क्योंकि हमने पहले बात करी थी कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में आग जी हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग फोर्थ के पास एक सवाल है 1 + √3i, तो हमारे पास 1 जो है दैट विल बी द रियल नंबर, हमारे पास जो √3 है दैट विल बी द इमेजिनरी नंबर, तो हम इसको x कंसिडर करेंगे, इसको y कंसिडर करेंगे। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमारे पास कहीं इस जगह प्लॉट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बात की थी वी ऑलवेज मूव एंटी क्लॉकवाइज और हम शॉर्टेस्ट एंगल कंसिडर करते हैं, तो आग से यहाँ बनेगा, और यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगा के हम लोग आर्ग्यूमेंट जी निकाल लेंगे। जो हमारे पास फार्मूला होता है आर्ग्यूमेंट जी का, उसके लिए हमें थीटा चाहिए, और थीटा के लिए वी हैव द फार्मूला थीटा इक्वल टू टेन वर्स वाई अपॉन एक्स। तो हमने बात की थी कि यहाँ पे वाई अंडर रूट थ्री है और हमारे पास एक्स जो है 1 है, तो हमारे पास सिंपल टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री आ जाएगा, और जो हमारे पास आंसर होगा दैट बी पाई बाई थ्री। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट जी हमेशा आएगा पाई बाई थ्री। और दिस क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सवाल था फर्स्ट क्वाड्रेंट का, हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट का सवाल